150 रुपये किलो में 1000 से 900 पाउच आपको मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कटोरी हम इसमें पैक करेंगे, ठीक है। ये पाउच आपको रेडीमेड मिल जाएगा 150 से 160 रुपये किलो में, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और दोस्तों ये कटोरी आपको 100 रुपये किलो मिल जाएगी, ठीक है। ये कटोरी की हम इसमें पैकेजिंग करेंगे, यानी कटोरी दोस्तों 3 ग्राम के समथिंग हम इसमें डालेंगे। 3 ग्राम से इसमें ज़्यादा नहीं आती, क्योंकि 3 ग्राम से ज़्यादा डालेंगे ना तो ज़्यादा पाउच ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, मतलब पैकेजिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो मान लीजिए आपका 150 रुपये में आपने प्रिंटेड पाउच लाया, ठीक है, कटोरी इस तरह का, और कटोरी आपको 100 रुपये किलो में मिल गया। अब इसमें हम पैक करेंगे, और पैक करने के बाद 3-3 ग्राम के समथिंग में एक पैकेट में जा रहा है। 3 ग्राम की कॉस्टिंग कितनी आ रही है दोस्तों? 3 ग्राम की कॉस्टिंग 33 पैसे के समथिंग आ रही है, 30 से 33 पैसे, ठीक है। तो 33 पैसे का लागत दोस्तों एक पाउच में लग रहा है, ठीक है। और प्रिंटेड पाउच का पकड़ लेते हैं 10 से 12 पैसे, ठीक है। टोटल यानी कितना हो रहा है? टोटल दोस्तों आपका 45 पैसे के समथिंग में एक प्रोडक्ट रेडी हो रहा है, ठीक है। 45 पैसे में रेडी करके और इसे होलसेल में दुकानदार को कितने में देंगे? दुकानदार को अपने ऊपर है दोस्तों, आप अपना मार्जिन निकाल कर ही दीजिए। कम से कम 100 की पैकेजिंग कीजिए, 100 का एक लॉट बनाइए और इस तरह से पैकेजिंग करना है। अगर सीलिंग मशीन दोस्तों आपको ये वाली नहीं मिलती है ना, तो आप टेंशन मत लीजिए, आप ये वाली मशीन मंगा सकते हैं या ये वाली मशीन ले सकते हैं, जैसे कि ऑटोमेटिक वाली। ऑटोमेटिक वाली में आपको ज़्यादा मगजमारी नहीं करना रहेगा, फटाफट ऑटोमेटिक फील हो जाता है। और फील करने के बाद दोस्तों आप अपना खुद का बिजनेस घर बैठे स्टार्ट कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आपको करना कुछ नहीं, रेडीमेड में माल लाना है। प्रिंटेड पाउच 150 से 60 रुपए किलो में आपको मिल जाएगा, जिसमें 900 से 1000 पाउच आपको मिलता है। और कटोरी लानी है, कटोरी कुछ इस तरह से आपको पैक कर लेना है। अन्यथा आप चाहे तो एक दो औरतों को या दो चार लेडीज़ को या दो चार लड़कों को काम पर रख सकते हैं, जिनसे दिन भर में आप 1000-2000 पाउच पैक करवा सकते हैं। और 100-100 पीस का एक लॉट बनाइए। लॉट बनाने के बाद आपका कॉस्ट कितना आ रहा है 100 पीस का? 45 रुपये, ठीक है। तो आप होलसेल रेट में कितने में देंगे दुकानदार को? आप उन्हें 80 रुपये में दे दीजिए, कम से कम 80 से 75 रुपये, यानी 30 रुपये आपका प्रॉफिट हो रहा है फिर भी, है ना, 100 के लॉट पे। तो दोस्तों इस तरह से इस बिजनेस को आप आज ही स्टार्ट करो, ठीक है। ज़्यादा मत सोचिए, छोटा सा काम है दोस्तों। आप चाहे तो इस तरह से लरी भी बना सकते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे क्या सिर्फ ये लरी इसी मशीन में बनेगी? नहीं, हर मशीन में आप लरी इस तरह का बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। लरी बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको लॉट बनाना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ। इस तरह से आप बनाकर और 33 पैसे की कॉस्टिंग में दोस्तों आपका प्रोडक्ट रेडी हो रहा है। और आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरह से आप बड़ा पाउच एक लेकर, जिसमें 100 पीस 50 पीस अपने ऊपर है, जिस तरह का आप पैकेजिंग करना चाहे छोटा बड़ा, और पैकेजिंग करके खुद का काम घर बैठे स्टार्ट कर सकते हो। जी हाँ, इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट नहीं लगाना है, ठीक है। दोस्तों वीडियो अगर हमारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके हमारी मेहनत का फल जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे, नमस्ते।